नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम टाटा प्ले को लेकर ही बात करेंगे। जैसे कि आप जान ही चुके हैं कि टाटा प्ले की ओर से एक नया सैटेलाइट जो है वो शुरू कर दिया गया है, जिसका नाम है GSAT-24। ये जो है टाटा प्ले को एक नया सैटेलाइट दिया गया है भारत सरकार की ओर से, इसरो की ओर से। और इस सैटेलाइट की जो कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा है कि टाटा प्ले इजिली 900 से भी ज्यादा नए चैनलों को दिखा पाएगा। टाटा प्ले के CEO हरित नगपाल जी का भी यही कहना है कि आने वाले समय में हमारे जो चैनलों की संख्या होगी वो 900 के पार होगी, जितने हम चैनल आपके लिए आने वाले समय में लॉन्च कर सकते हैं। यानी कुल मिला के बात करें तो भारत में फिलहाल जो भी लाइसेंस मिला हुआ चैनलों को वो 900 के पार तो हो गया है, लेकिन अभी भी जो बहुत से चैनल है वो अभी ट्रांसमिशन उनका शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से टाटा प्ले के CEO ने ये बात कही है। लेकिन मैं आपको फिर भी यही कहना चाहूंगा कि बेशक यहाँ पर 900 के पार जो है चैनल्स को लॉन्च करने की कैपेसिटी मिल गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी हर कोई चैनल जो है वो लॉन्च नहीं हो सकता। उसके पीछे क्या रीजन है वो भी आपको मैं बताऊंगा। कमेंट चैनल पे पहली बार आए हैं अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले जरूर मिले। तो देखिए, यहाँ पर टाटा प्ले की ओर से काफी अच्छी कोशिश की गई है कि उनको आने वाले समय के लिए चिंता नहीं करनी होगी। अगर आने वाले समय में कुछ ऐसे बड़े ब्रॉडकास्टरों के चैनल भी लॉन्च होते हैं तो उन्हें भी वह सबसे पहले वो इजिली वे में लॉन्च कर पाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत के हर एक चैनल के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर ले तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि ये चैनल के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो टाटा प्ले में आना चाहता भी है या नहीं। अब मान लीजिए चैनल की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी बड़ी रकम टाटा प्ले को अदा कर सके, तो वो कैसे लॉन्च हो जाएगा? देखिए, टाटा प्ले यहाँ पर जो है आपके लिए कोई फ्री की खेती तो कर नहीं रहा है जो कि आपको फ्री में चने बांटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है पैसे लिए जाएंगे हर एक चैनल को लॉन्च करने के, और हमेशा से वो लेता भी है। जितने भी करेज फीस चैनल होते हैं, फ्री टूर के चैनल होते हैं, उनसे अच्छी खासी रकम ली जाएगी, तभी तो वो चैनल टाटा प्ले दिखाएगा ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं टाटा प्ले फ्री में चैनल को लॉन्च कर देगा और चैनल जो अच्छी खासी रकम कमाएगा। नहीं, टाटा प्ले ने भी बिजनेस करना है, उसने भी कमाना है। इतना जो बड़ा रेंट देगा, लीज पर सैटेलाइट लिया है तो उसकी भी जो रकम होती है, एनुअल फीस होती है, वो भी तो देनी होगी ना सैटेलाइट की, जो उनको नया सैटेलाइट मिला है। तो वो फीस कहाँ से आएगी? वो इन फ्री टूर के चैनलों से ही आएगी। तो जैसे आपको पहले सिस्टम देखने को मिलता था, आगे भी सिस्टम वैसे ही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, टाटा प्ले के पास कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है नए चैनलों को लॉन्च करने की, बात सिर्फ इतनी है। और आने वाले समय में अगर उनको लॉन्च करना हो कोई नया चैनल तो वो इजी वे में कर पाएंगे, उनको कोई मुश्किल नहीं आएगी और ना ही उनको पिक्चर क्वालिटी को डाउनग्रेड करना होगा। और टाटा प्ले की ओर से ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में वो पिक्चर क्वालिटी को भी एनहेंस करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जिससे चैनल की जो पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगी। इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं नीचे आप बता सकते हो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी नज़र में ऐसा कोई चैनल है जो कि टाटा प्ले में अभी देखने को नहीं मिलता लेकिन आप चाहते हो कि उसे लॉन्च होना चाहिए।